नमस्कार दोस्तों, एकमात्र भरोसेमंद एमएस न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स की तरफ से, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय भविष्य निधि कार्यालय की कार्य प्रणाली से कर्मियों में रोष। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के उपायों के तहत वर्ष 1995 में कर्मचारी पेंशन योजना आरंभ की थी और सुप्रीम कोर्ट ने ओटीएस एलिवेटर केस में निर्णय सुनाते हुए सभी कर्मचारियों को इस योजना में शामिल होने के निर्देश दिए थे। एम्प्लॉयज पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान करम सिंह ने बताया कि कर्मचारियों को किसी प्रकार की छूट दिए बिना कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने कर्मचारियों के योगदान पर 5,000 से 6,500 रुपए प्रति माह की अधिकतम सीमा लागू कर दी थी, जबकि कानून में प्रावधान है कि कर्मचारी जब उसका वेतन सीमा से अधिक हो जाए तो उपरोक्त सीमा से अधिक भी योगदान पेंशन फंड में दे सकता है। इस कृत्रिम सीमा और कर्मचारियों को न तो भूतकाल के दौर और न ही भविष्य के लिए पेंशन योग्य वेतन पर योगदान की अनुमति न प्रदान करने के कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती मिल गई, जिसने कृत्रिम सीमा को एक तरफ करके सदस्यों को सीमा से अधिक योगदान करने की अनुमति प्रदान कर दी है। जी हां दोस्तों, इस निर्णय के बावजूद भविष्य निधि कार्यालय ने 31 मई को पत्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की गलत ढंग से व्याख्या की और कहा कि यह निर्णय भविष्य निधि संगठन द्वारा छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है और केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के न्यासी बोर्ड की बैठक में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। करम सिंह ने बताया कि इस मामले को शीघ्र अतिशीघ्र निपटाया जाए, अन्यथा ये संगठन उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी।